जय जोहार नमो बुद्धाय मित्रों। और सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के जन्म दिवस की आप सबको हार्दिक बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हम सबको पता है कि अभी भी 11 अप्रैल गया है, जो हमारे बहुजन समाज के बड़े महापुरुष ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है, जन्मदिन था। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उन्हें अपना गुरु मानते थे। अगर ज्योतिबा फुले के महत्व की बात की जाए, उनके विचारों के महत्व की बात की जाए, तो अपने आप में ही यह सबसे बड़ा महत्व है कि किसी व्यक्तित्व को अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा व्यक्ति, जैसा महापुरुष अपना गुरु मानता है, तो इससे उसकी महत्ता को, इससे उसकी अहमियत को और इससे उसके योगदान को जो समाज के लिए था, राष्ट्र के लिए था, हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्या था ज्योतिबा फुले में जिससे कि उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपना गुरु मानते थे। मैं जब भी ज्योतिबा फुले की ओर देखता हूँ तो वो एक ऐसे शख्सियत के रूप में, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो व्यक्ति न सिर्फ सड़ी गली मान्यताओं का विद्रोह करता है, विरोध करता है, बल्कि विरोध के बाद वो एक नई समानांतर दुनिया, एक नया पैरेलल कल्चर रचने का भी रास्ता तैयार करता है। आप देखेंगे उनका जितना लेखन है ज्योतिबा फुले का, वो सबसे ज्यादा प्रहार करते हैं रूढ़िवादिता पे, जड़ता पे, संकीर्णता पे, जो यहाँ का पोगापंथी है, जो यहाँ की पोगापंथी है और जो यहाँ का अंधविश्वास और कर्मकांड है। हम सब जानते हैं कि आज पूरे वंचित समाज का, बहुजन समाज के शोषण, उत्पीड़न और मानसिक गुलामी का जो अगर जो सबसे बड़ा कारण है, तो ये सारे ये धार्मिक जो अंधविश्वास है, ये जो धार्मिक जो कर्मकांड है, यही है। तो ज्योतिबा फुले ने इस पर सबसे ज्यादा प्रहार किया। उस समय अंग्रेजों का शासन था इस देश में। ज्योतिबा, दूसरी जो खास बात लगती है वो ये है कि जैसा कि बाबा साहब ने बाद में कहा, स्त्रियों की शिक्षा को लेकर, स्त्रियों की प्रगति को लेकर, कि वो समाज की प्रगति को का मानक जो स्त्रियों की प्रगति से जोड़ते हैं, तो ये प्रेरणा उनको कहां से मिली? आखिर वो स्त्रियों के प्रति जो बाबा साहब एक उनकी मुक्ति के लिए इतने ज्यादा परेशान होते हैं, मुक्ति के लिए इतने ज्यादा चिंतित होते हैं, तो मुझे ये लगता है कि उनकी परंपरा में चूंकि बुद्ध तो थे ही, लेकिन एक ज्योतिबा फुले जैसा जो व्यक्तित्व था, जब हम ज्योतिबा फुले की बात करेंगे तो सावित्री बाई फुले उनके साथ हमेशा खड़ी मिलेंगी, और जब हम सावित्री बाई फुले की बात करेंगे तो भी ज्योतिबा फुले उनके साथ हमेशा खड़ी मिलेंगी। ये सबसे खास बात है, चूंकि पूरे बहुजन समाज को अगर आप देखें, चूंकि ये श्रमण संस्कृति का समाज है, ये मेहनत का समाज है, चाहे हम आदिवासी समाज की बात करें, चाहे हम शूद्र समाज की बात करें, चाहे हम दलित समाज की बात करें, ये स्त्री पुरुष हमेशा एक साथ मिलके मेहनत करने वाले लोगों का समाज है। आदिवासी समाज का नृत्य हो, उनका गीत हो, उनका कोई भी कल्चर, उनके कोई भी त्यौहार हो, उसमें कोई भी त्यौहार स्त्री की अलग, पुरुष के लिए अलग नहीं होता है। तो अगर हम गहराई में जाएंगे, जैसे जो मेहनत कश लोग हैं, किसान लोग हैं, जो हमारे शूद्र लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सब जगह स्त्रियों की भागीदारी है। तो इस कल्चर से जब हमारे महापुरुष आते हैं तो उनके मानस में ये चीजें, ये जो हमारी परंपरा ये होती है, क्योंकि यही देश है जहां स्त्रियों का इतना शोषण उत्पीड़न रहा है। तो डॉक्टर अम्बेडकर या ज्योतिबा फुले या जितने हमारे जो महापुरुष हैं, उनकी नजर में वो सारी परंपराएं नहीं होती है, वो उन परंपराओं का भंजन करते हैं, वो उन परंपराओं को प्रहार करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि रामास्वामी पेरियार है, रामास्वामी पेरियार भी स्त्रियों के एक बड़े मुक्तिदाता के रूप में हमारे सामने आते हैं। यद्यपि उन पर रिसर्च ज्यादा नहीं हुआ है, उन पर ज्यादा नहीं लिखा गया है, अब जरूर चीजें लिखी जा रही हैं, सामने आ रहे हैं। ये सारे हमारे महापुरुष क्यों स्त्री मुक्ति पर या स्त्रियों के सहभागिता पर या स्त्री पुरुष की बराबरी पर जोर देते हैं? तो बाबा साहब के मानस पटल में अगर ये बात थी तो मुझे ये लगता है कि वो बुद्ध तो थे ही, और ये ज्योतिबा फुले हैं, सावित्री बाई फुले हैं, तो ये जो जिस तरह से स्त्री मुक्ति के लिए उन्होंने एक रास्ता तैयार किया कि उन्होंने स्कूल खोला, एक नहीं कई स्कूल खोले। और ज्योतिबा फुले की सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने लीडरशिप खुद नहीं दी, वो चाहते थे खुद स्कूल खोल सकते थे, सावित्री बाई उसमें एक अध्यापक के रूप में रख सकते थे, लेकिन उन्होंने स्त्री को लीडरशिप दी, स्त्री को नेतृत्व दिया कि तुम आगे आओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और सावित्री बाई फुले ने साबित किया। ये पूरी दुनिया के इतिहास में, कम से कम भारतीय इतिहास में, एक बहुत बड़ी घटना है कि जहां स्त्री को लीडरशिप देके, उसको मौका देके, ये समाज साबित करता है कि स्त्रियां अपने आप में कितनी सक्षम हैं, और जब तक ज्योतिबा फुले जिंदा रहे तब तक वो साथ में मिलके उनके साथ काम किए, लेकिन जब ज्योतिबा फुले नहीं रहे इस दुनिया में, तब भी वो कारवा जो था, जो शिक्षा को आगे बढ़ाने का कारवा था, जो समाज से जड़ता को खत्म करने का जो कारवा था, जो समाज को बेहतरी की ओर, परिवर्तन के रास्ते में ले जाने वाले जो कारवा था, उसको सावित्री बाई फुले ने आगे बढ़ाया,
उसको लगातार वो आगे बढ़ाती रही। और आज के समय में जब हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, हम सबको पता है कि प्लेग उस समय होता था और सावित्री बाई फुले ने किस तरह से सेवा की थी उसमें, और अपने बेटे तक को जिसको उन्होंने गोद लिया था उसको लगाया, और अंत में जब सावित्री बाई फुले की जो जो मृत्यु थी वो उन्हीं कारणों से हुई, वो खुद भी प्लेग की शिकार हो जाती है। तो हम लोग ऐसी परंपरा में आते हैं, हमारी परंपरा में ऐसे महापुरुष हैं जो सेवा भाव जिनके अंदर इतना ज्यादा है, जो अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं, ऐसे जिस समाज में इस तरह के महापुरुष हैं, आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन महापुरुषों की लिगेसी को, उन महापुरुषों की विरासत को, उन महापुरुषों के विचारों को कैसे हम आगे बढ़ाएं। और हम सबके लिए गौरव की बात है, तो जरूरत इस बात की है कि पहले हम ज्योतिबा फुले को जाने, पहले हम सावित्री बाई फुले को जाने कि आखिर कैसे जानेंगे पढ़ने से। सबसे बड़ी ये दुखद बात ये है कि आजकल ठीक है वो व्हाट्सअप और सोशल मीडिया, फेसबुक जैसे साधनों के आने से बहुत फायदा हुआ है बहुजन समाज को भी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन यही हमें ये समझना होगा, खासतौर से नई पीढ़ी को, कि पठनीयता की कमी आई है, यानी कि पढ़ने का कल्चर कम हुआ है, लोग पढ़ कम रहे हैं। तो एक ऐसा समाज जो सदियों से जानबूझकर अशिक्षित बनाकर रखा गया, उस समाज को, उस समाज की नई पीढ़ी को, उस समाज की लड़कियों को, उस समाज के लड़कों को सबसे ज्यादा अपने महापुरुषों के, हमारे जो विरासत में जो हमारे जो पुरखे हैं, उन पुरखों को जानना समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मुझे लगता है जो आज जिस तरह का देश में माहौल है कि पूरी जगह एकदम जाहिली और एक मूर्खता का साम्राज्य हम देख रहे हैं, धार्मिक कर्मकांड का साम्राज्य हम देख रहे हैं, कोरोना के आने के बाद भी जिस तरह से उसके साथ जड़ता को और अंधविश्वास और प्रोग्रामपंथी को जोड़ने की कोशिश हुई, ये बहुत बड़े संकट की ओर इशारा है, ये देश को बर्बादी की तरफ ले जाने का एक इशारा है। सबसे दुख की बात है कि इसमें बहुजन समाज भी बड़ी संख्या में फंसा हुआ है, चाहे वो ओबीसी समाज हो या दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा हो, आदिवासी समाज में भी जो अभी अपने कल्चर में है, जो आदिवासियत के साथ है, उनके लिए उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आदिवासी पढ़ लिखकर आगे आ गए हैं, इस जो है ब्राह्मणवादी दुनिया में शामिल हो गए हैं, वो भी अंधविश्वास की ओर, हिंदुज्म की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुष को, उनके पूरे लेखन को, उनके विचार को नई पीढ़ी से परिचित कराएं कि कैसे वो अंधविश्वासों से लड़ते हैं, कैसे वो ब्राह्मणिज्म से लड़ते हैं, कैसे वो ब्राह्मणवाद को खुली चुनौती देते हैं, और चुनौती ही नहीं देते हैं, उसके पैरेलल, उसके समानांतर वो एक नई दुनिया रचने की तैयारी भी करते हुए दिखते हैं, वो रास्ता भी बताते हैं कि समतामूलक समाज हम कैसे बना सकते हैं। तो आज के समय में ज्योतिबा फुले के विचारों की इतनी ज्यादा प्रासंगिकता है, मैंने पेरियार की बात की, पेरियार जिस तरह से क्रांतिकारी चेतना से लैस थे, कबीर जिस तरह से क्रांतिकारी चेतना से लैस थे, रविदास जी जिस तरह से क्रांतिकारी चेतना से लैस थे, तो हमारी जरूरत है कि ये सारे हमारे पुरख हैं। हमारी परंपरा में बिरसा मुंडा है, तिलका मांझी है, सिद्धो कानू मुर्मू है, चांद भैरव है, फूलो झानो है, हमारी परंपरा में रानी दुर्गावती है, वीर नारायण शाह है, बाबू शेरमाके हैं, पूरे गोंडवाना के जितने हमारे शूरवीर और महानायक हैं, नागालैंड की रानी गिडालू हैं, तो हम देखेंगे कि ये बहुत सारे जो हमारे महापुरुष हैं, बहुत सारे जो हमारे पुरखे हैं। और सबसे बड़ी बात जो और हम पीछे जाएंगे परंपरा में, तो वो गौतम बुद्ध हैं। इन सब की जो 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 पूरी विरासत है, जो वैचारिक विरासत है, जो परिवर्तनकामी जो उनकी चेतना है, आज जरूरत इस बात की है कि नई पीढ़ी को उस परिवर्तनकामी चेतना से हम परिचित कराएं। क्योंकि ऐसे समय में जब इतना ज्यादा धार्मिक अंधविश्वास नए सिरे से लादा जा रहा है, और खासतौर से सरकारी माध्यम से, सरकारें इस तरह की आ गई हैं जो इन सब चीजों को थोप रही है नई पीढ़ी पे, और उनके साथ मीडिया पूरा खड़ा है, जो ब्राह्मणवादी मीडिया है भारत का, सवर्ण मीडिया है, ये सबको पता है, ये सब लोग इस अभियान में है कि कैसे इस देश को पूरी तरह से हम एक बार फिर उसी अवैज्ञानिक चेतना अतार्किक दुनिया में लेकर चले जाएं, एक उसी सड़ी गली मान्यताओं के बीच फंसे हुए समाज में इसको हम बदल दें जो सदियों पहले रहा है। और अगर वो फिर से वही सड़ा गला समाज आ गया, वही जड़ता आ गई, वही संकीर्णता आ गई, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाला है वो यहाँ के 85% जो बहुजन समाज, जो मूल निवासी समाज है, उसका होने वाला है। क्योंकि यही 10-15% लोग इसी अंधविश्वास, इसी कर्मकांड और इसी झूठ फरेब की दुनिया रच के, एक तिलस्मी मायावी दुनिया रच के इन लोगों ने इतने सालों तक शासन किया और अभी भी कर रहे हैं। तो ये यही चाहेंगे कि ये जो ये
ये जो वैज्ञानिक चेतना धीरे धीरे आ रही थी समाज में एजुकेशन के कारण, शिक्षा तालीम के कारण, और ये कैसे संभव हुआ? भारतीय संविधान की वजह से। और संविधान में इसकी वजह से इसलिए संभव हो गया क्योंकि संविधान बनाने में जो अग्रणी भूमिका थी वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की थी। और चूंकि बी आर अम्बेडकर ने विदेशों से पढ़ाई की थी, दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है वहां से उन्होंने पढ़ाई की थी, अगर उन्होंने भी यहाँ की इसी ब्राह्मणिकल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई लिखाई की होती तो पता नहीं वो इस तरह का काम कर पाती या नहीं, मुझे नहीं पता है। लेकिन चूंकि उन्होंने विदेशों में वैज्ञानिक चेतना से लैस जो पढ़ाई लिखाई का जो की कोई व्यवस्था है वो उस व्यवस्था से आए थे, और उनके जो पुरखे थे, उनकी जो परंपरा में जो लोग थे वो गौतम बुद्ध थे, संत कबीर थे, हमारे क्रांतिकारी चेतना से लैस कवि रविदास जी थे, और ये ज्योतिबा फुले सावित्री थी। ये लोग जो इतने बड़े बड़े महापुरुष और ऐसे वैचारिक जो व्यक्तित्व हमारी परंपरा में थे, बाबा साहब की परंपरा में थे, यही कारण था कि इन सारे विचारों को, इन सारी क्रांतिकारी परिवर्तनकामी चेतना को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर आगे चलते हैं और वो लिगेसी, वो विरासत हमारे सामने छोड़ते हैं। तो मित्रों, ये हम सब के लिए बड़ी चुनौती है। हम लोग केवल जय जयकार करें, हम लोग केवल मोमबत्ती जलाएं, हम लोग केवल उनको माला चढ़ाएं और महापुरुष माने, ये हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ना। खासतौर से मैं नई पीढ़ी के लिए ये कहना चाहूंगा कि अपने महापुरुषों के जो की जो विचारधाराएं हैं हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि मुक्ति का जो रास्ता इन्होंने तैयार किया, परिवर्तन का जो इन्होंने रास्ता हमारे सामने छोड़ा है, आज मैं देख रहा हूं, हम देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि देश की जो स्थिति है वो पूरा गड्ढमड होता जा रहा है, और फिर से वही अवैज्ञानिकता, फिर से वही झूठ फरेब की दुनिया, फिर से वही जड़ता और अंधविश्वास की एक पूरी तिलस्मी दुनिया हमारे सामने रचने की कोशिश की जा रही है। और इस सब किस लिए है कि एक बार फिर से वो गुलाम बनाए यहाँ के बहुजन समाज को, एक बार फिर से मूल निवासी समाज जो कभी शासक था वो फिर से वो गुलाम हो, यही सरकारी स्तर पर इसका प्रयास हो रहा है और मीडिया इसमें साथ दे रहा है। तो मित्रों, हम सब की ये जिम्मेदारी है, अगर हम ज्योतिबा फुले को हम याद कर रहे हैं उनके जन्मदिवस के अवसर पर, तो हम सब यही संकल्प लें कि हम अपने सारे महापुरुषों की के साहित्य को हम पढ़ेंगे, उनके विचारों को जानेंगे, समझेंगे, खासतौर से हमारी जो नई पीढ़ी है और हमारे बाद की जो पीढ़ी है, हमारे हमारे जो समकक्ष जो पीढ़ी है, इन सब तक हम उनके विचारों को ले जाएं, इन सब तक उनके उनकी जो पूरी विरासत है, उनके जो काम है, इनकी जो चेतना है, उनके जो काम करने के तरीके थे, वो क्या चाहते थे, किस तरह के सपने उनके थे, किस तरह की परिकल्पना थी समाज की, देश की, उस परिकल्पना को हम साकार करें, उस परिकल्पना को हम जिए, उस सपनों को हम अपने अंदर पालें, उन सपनों को देखना शुरू करें, उन सपनों को सच करने की दिशा में हम आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है कि ये किसी का भी जन्मदिवस, चूंकि अभी 10 मार्च था जो हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का परिणाम दिवस था, उसके पहले 3 जनवरी को उनका जन्मोत्सव था, अभी ज्योतिबा फुले का जन्मोत्सव रहा, अभी 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मोत्सव है। तो ये कुछ मई में आप जाएंगे तो ये बुद्ध जयंती आएगी, उसके बाद हम जाएंगे नवंबर में तो बिरसा मुंडा की जयंती आएगी। तो ये तमाम सारे जो महापुरुषों की जयंतियां आती हैं, ये केवल रस्म अदायगी ना हो, ये केवल उन्हें याद करने का एक दिन न बन के रह जाए, बल्कि संकल्प लेने का दिन हो, चुनौती का दिन हो, परिवर्तन के लिए एक जज्बा पैदा करने का दिन हो, तभी इन महापुरुषों की जो कुर्बानी है, इनका जो बलिदान है, जो अपने जीवन को उन्होंने समाज की लगाया, वो सफल हो सकता है। तो मैं अब सबसे, हम सब ये संकल्प ले, हम सब ये सोचे कि हम आपसी छोटे छोटे मतभेद, छोटी छोटी क्षुद्रताओं को छोड़कर हम अपने जो बहुजन महापुरुष हैं, दलित समाज के हो, आदिवासी समाज के हो, शूद्र समाज, ओबीसी समाज के, इन सब महापुरुषों की जो विरासत है, वैचारिक विरासत है, क्रांतिकारी चेतना है, उन सबको हमें आगे लेकर चलना है, और जो इनके सपनों का समाज था, समतामूलक समाज, शोषण मुक्त जो देश हो, वो बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े, तभी हम इनके जन्म दिवस को सफल और सार्थक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।